ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बर्त साहनी ने की। इस मौके पर बर्त साहनी ने कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम सौंडिल को जमकर घेरा और यह आरोप लगाए कि सोलन की जनता ने जिस उद्देश्य से उन्हें चुना था वह उद्देश्य वह पूरा नहीं कर पाए। सोलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भरत साहनी ने की। इस मौके पर भरत साहनी ने कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम सौंडिल को जमकर घेरा और ये आरोप लगाया कि सोलन की जनता ने जिस उद्देश्य से उन्हें चुना था वह उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी कभी भी जनता के बीच नहीं रहे, इसलिए उनकी समस्या जस की तस रही, इसलिए वे विधायक होते हुए पूरी तरह से असफल रहे। भरत साहनी ने कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम सौंडिल पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि जो व्यक्ति बतौर विधायक पूरी तरह से असफल रहा वह आज लोकसभा बतौर सांसद बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे धनीराम सौंडिल से 3 सवाल पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले तो वे यह बताएं कि वे विधायक काल में सोलन में कहां रहे, उनका स्थायी पता क्या था, क्योंकि जनता उनको 5 वर्ष तक लापता समझ रही थी। दूसरा, उन्होंने विधानसभा में सोलन के लिए कितने प्रश्न किए और कितनों का कोई हल निकल पाया। उन्होंने कहा कि केवल रेस्ट हाउस में आते थे और चंद लोगों से मुलाकात करते थे, यही वजह है कि वे बतौर विधायक असफल रहे, तो वे बतौर सांसद कैसे सफल हो सकते हैं। अगर सोलन की जनता और सोलन विधानसभा क्षेत्र की जनता ये जानना चाहती है कि कहने को तो आपका मकान बशील में है परंतु वहां भी आप नहीं पाए जाते, कहने को तो आप विधायक सोलन के हैं पर आप सोलन के अंदर जब यहाँ आते हैं तो लोगों को जानकारी नहीं होती कि आप कहाँ हैं। जब आप एक विधानसभा क्षेत्र नहीं संभाल पा रहे तो आप लोकसभा क्षेत्र किस हिसाब से संभालेंगे, और जब पूर्व में भी आपने लोकसभा क्षेत्र संभाला था उस टाइम भी लोगों का यही मानना था कि आप कहाँ रहे। तो हमारा सवाल है कि हमारे विधायक लापता हैं, कृपया उन्हें खोज करके लाए। 1 साल हो गया सरकार बने हुए और 1 साल के अंदर इन्होंने कितने प्रश्न विधानसभा में जाकर के सोलन विधानसभा क्षेत्र के उठाए हैं। हमारे हिसाब से तो इन्होंने कोई भी प्रश्न उठाया नहीं। लोग यहाँ पर कई चीज़ों को लेकर त्राहिमान कर रहे हैं। सोलन से विधायक आप हैं, वोटें आपने ली हैं, आपको जिम्मेवारी दी गई है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके सोलन की कई समस्याओं का हल करवा सकते थे जो कि अभी आपने करवाई नहीं, तो पूर्ण रूप से आप असफल विधायक रहे हैं। तो सफल लोकसभा प्रत्याशी कैसे हो सकते हैं? तो कमरा नंबर 2 में आकर के बैठते हैं, 4 लोगों को साथ में लेकर बैठते हैं, उसके अलावा आप सोलन विधानसभा की जनता से मिलते नहीं, उनसे बातचीत नहीं करते। तो ये हमारे 3 प्रश्न थे जो हमने असफल हमारे जो यहाँ के विधानसभा के MLA हैं उनसे पूछे हैं और उनका जवाब हम उनसे निश्चित रूप से चाहेंगे।